टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी महरिया। तो आज मैं आपको बहुत ही यूनिक और सरप्राइज वाली जगह लेके चलती हूँ, जो कि तीर्थ स्थल है और काफ़ी अच्छी जगह है। काफ़ी ग्रीनरी भी दिखाऊंगी मैं बीच बीच में, और आपको जो वहाँ का डैम है जहाँ मैं जाने वाली हूँ, तो मैं अभी इसको सरप्राइज रखती हूँ। तो मैं वहाँ जाके, वहाँ पहुँच के ही मैं आपको दिखाती हूँ कि अपन कहाँ जा रहे हैं आज। चलिए बने रहिए मेरे साथ में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी महरिया, और आपके लिए लेकर आई है सेकंड पार्ट, जो कि पहला पार्ट मैं आपको दिखा चुकी हूँ। मैं ये उसका नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। तो आज हम जाने वाले हैं इसमें जो झुंझुनू ज़िले में स्थित है शाकंभरी माता, जिसको अपन सकराई माता भी बोलते हैं, जो कि झुंझुनू ज़िले में स्थित है। और ये वहाँ का बीच का रास्ता है, काफ़ी अच्छा और ग्रीनरी वाला रास्ता आता है बीच में। आप अच्छा खासा वहाँ पे फ़ोटो शूट कर सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी ग्रीनरी थी, काफ़ी अच्छा व्यू आता है उसके रास्ते के बीच में। तो यहाँ पे हम फ़ोटो सेशन करने के लिए बीच में ही रुके हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, पीछे से पहाड़ है, काफ़ी ग्रीनरी है, बहुत अच्छी फ़ोटो आई हमारी यहाँ पर। तो आप भी अगर जाते हैं सकराई माता के, मतलब शाकंभरी माता के, तो बीच में रास्ते में आप फ़ोटो सेशन आप ज़रूर लें, क्योंकि बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आती हैं। तो अब हम यहाँ से निकलते हुए शाकंभरी माता के लिए। जब देवयुग में पड़ा था भीषण अकाल, तो शाकंभरी माता ने ऐसे प्रकट होकर कराया था लोगों को भोजन। ये जो माता जी का मंदिर है, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की मनमोहक वादियों में स्थित है। यह सकराई माता की, शाकंभरी देवी का मंदिर माँ दुर्गा की प्रतिमूर्ति के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह झुंझुनू जिले की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मनमोहक वादियों में स्थित है, और यह सकराई और शाकंभरी दो नामों से जानी जाती है। तो हम बीच में रास्ते में अभी मंदिर की ओर निकलते हुए, यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी। यहाँ का जो ये रास्ता है, ये सर्पिला आकार है और काफ़ी हाइट पे है, अच्छी खासी हाइट पे है। तो काफ़ी अच्छे जो ट्रेन होते हैं गाड़ी चलाने में, वो ही लेके जाएं, अन्यथा जो नए नए गाड़ी चलाना सीखे हैं वो ना लेके जाएं। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस मांगता है ये रास्ता। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको मंदिर चलने से पहले, पहुंचने से पहले भी मैं आपको देती हूं, ताकि इसकी पूरी जो जानकारी है वो आपको मिल जाए। ये जो हम मंदिर के लिए, यहाँ पे सामने के साइड में मंदिर है, और उसके लिए थोड़ा पहले गाड़ी पार्क की है और हम मंदिर के लिए रवाना होते हुए। तो ये थोड़ा सा थोड़ी दूरी पे मंदिर स्थित है। आप मेरे साथ में बने रहिए, मैं आपको बहुत जल्द लेकर चलती हूँ। घर बैठिए मैं आपको माता जी के दर्शन करवाती हूँ। तो चलिए, आप मेरे साथ में बने रहिए। तो मैं इसके बारे में आपको बता रही थी, ये जो मंदिर में जी, ये देखिए वहाँ पे बंदर है ना, नल से पानी पी रहा है, देखिए कितने शान से। और ये देखिए, ये इसका जो मेन एंट्रेंस है, ये मंदिर का ये मुख्य द्वार है, यहाँ से प्रवेश करेंगे अपन अंदर की तरफ। ये देखिए, यहाँ से एंटर होने वाले हैं अपन। और यूँ तो ये जो आम जनता के लिए साल में सिर्फ दो नवरात्रों में परिचित होती है माता जी, लेकिन हिंदू संस्कृति में असल में चार नवरात्र प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्र के अलावा आषाढ़ और माघ महीने में नवरात्र होते हैं। चारों नवरात्रों में शेर पर सवार दुर्गा माता के सभी नौ रूपों की पूजा की जाती है। शाकंभरी देवी के बारे में कहा जाता है कि देवयुग में जब भीषण अकाल पड़ा था, तो माता ने स्वयं साग फूल फल फूल के रूप में प्रकट होकर लोगों को भोजन दिया था। तब से ही शाकंभरी देवी को भक्तों पर जल्दी कृपा करने वाली भी बताया जाता है। माँ शाकंभरी को सूजी के हलवे का भोग मुख्य रूप से लगाया जाता है, मतलब जो ये माता जी का भोग है, यहाँ पे मुख्य जो भोजन या जिसको अपन प्रसादी बोल सकते हैं, वो सूजी के हलवे के रूप में लगाई जाती है। तो ये यहाँ पे अपन मंदिर के जो मुख्य प्रकट होता है, जो प्रवेश द्वार होता है, वहाँ से अपन
अंदर की ओर जाते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मंदिर का मुख्य जो एंट्रेंस है, यहाँ से सीढ़ियों से अपन मंदिर के सामने जाएंगे। तो यहाँ की जो मूर्ति है, यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु थे, बहुत ही काफ़ी अच्छी है यहाँ की मान्यता है। और एक अपने जयपुर ज़िले में यहाँ पे सांबर वाली शाकंभरी भी पड़ती है, बट ये वो वाली नहीं है, ये दूसरी वाली शाकंभरी है, आप कंफ्यूज ना हो। ये झुंझुनू ज़िले में स्थित है और ये झुंझुनू में ही पड़ती है। वो वाली शाकंभरी अलग है सांबर वाली, और ये वाली अलग है। तो दोनों में कंफ्यूज ना होए, दोनों का ज़िला भी बिल्कुल अलग है। तो मैं इसके बारे में बता रही थी कि यहाँ पे जो है भोग सूजी के हलवे का लगाया जाता है। ये मंदिर के पीछे से हम परिक्रमा करते हुए, कहा जाता है कि हलवे के भोग से शाकंभरी माता जल्दी प्रकट होती है और प्रसन्न भी जल्दी होती है, और साल भर में लाखों श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पे लगा रहता है। मतलब साल भर में यहाँ पे जो भक्त जन हैं वो माता जी के दर्शन के लिए आते रहते हैं। मंदिर के महंत दयानाथ महाराज बताते हैं कि ये मंदिर आस्था के साथ ही समाज के कई वर्गों में जात जड़ले के लिए भी महत्वपूर्ण है। आम जन के अलावा देश के प्रमुख सेलिब्रिटी भी यहाँ दर्शन करने आते रहते हैं। फिल्मी अभिनेताओं से राजनेताओं तक सभी माता जी के दरबार में अपनी विशेष आस्था रखते हैं। ये वहाँ से निकले थे हम रास्ते में, तो एक डैम भी आया था। तो ये काफ़ी बड़ा तो नहीं है, बट जो भी यहाँ रास्ते में पड़ा था वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटा सा डैम है वहाँ पे रास्ते में। शाकंभरी माता से जब अपन वापस लौट के आते हैं तो कुछ ही किलोमीटर पे, एक किलोमीटर भी नहीं कह सकते, कुछ ही दूरी पे ये डैम स्थित है। ये देखिए, ये वहाँ का डैम है। तो इसी के साथ मैं अब यहाँ से निकलती हूँ। तो बाय दोस्तों, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए।